हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खबर और आप सभी को पता भी होगा, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ आपके जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे जो उनका ये पूछना था, जैसे आप सभी को पता है कि ये नोटिस जारी की गई है जिसमें ये बोला गया है कि जो जितने भी डीएलएड की क्लासेज है अब वो ऑनलाइन चलेगी। मतलब जैसे कि आप कॉलेज में कर पढ़ते थे और जैसे हम यहाँ YouTube के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उसी को ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी वहाँ के टीचर्स हैं वहाँ आपको ऑनलाइन मतलब किसी भी एक मतलब वीडियो आप सभी को भेज देंगे और आप सभी उसी के थ्रू उसको स्टडी करेंगे। तो ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये जो नोटिस है क्या ये सही है, या फिर ये जितने भी यूपी के जिले हैं उसमें पढ़ाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता दें, ठीक है, कि कल हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि जितने भी मतलब स्टडी से रिलेटेड कॉलेजेस, स्कूल या जितने भी पढ़ाई है वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे मैं नोटिस दिखाते चलती हूँ एक बारी, ठीक है, जैसे कि आपका ये नोटिस है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से जारी हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो कि यह कार्यालय प्राचार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिंडारी जालौन, आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये मतलब प्रयागराज से जारी नहीं हुआ है, ये केवल एक सेपरेट पिंडारी जालौन जिला से ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जालौन जिले के जिन्होंने आग्रह किया। और आपको पता है कि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जितने भी अगर प्रशिक्षण रुक गए हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो। तो इसलिए यहाँ के जिला के जो निदेशक हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो आग्रह किए कि हमारा जो प्रशिक्षण है अभी, मतलब मान लीजिए आप अगर पढ़ रहे होंगे तो कुछ शेष रह जाता है, तो इसलिए अगर छुट्टी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। तो ये अभी पूरे जिले में लागू नहीं हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ साफ साफ बता दूँ, क्योंकि पूरे जिले मतलब जितने भी यूपी डीएलएड क्लास जितने भी है वो कब लागू होता है, जब ये प्रयागराज से जारी होता है, लेकिन ये सेपरेट पिंडारी जालौन से जारी हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ वही ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, अदर नहीं चलेगा। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अनुसार वो अब उनके पे डिपेंड करता है कि क्या वो ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहते हैं या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मतलब योगी आदित्यनाथ जी ये आदेश दे दिए हैं कि जितने भी प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन चला सकते हैं, लेकिन अब ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या वे ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन आप देख सकते हो जो ये जालौन पिंडारी जिला है इन्होंने एक बेहतर काम किया है, उन्होंने बोला है कि जितने भी मतलब प्रशिक्षण छूट रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 13/4/2020 का आज का ही नोटिस है और बिल्कुल सही है, देख लेते हैं एक बारी क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोरोना वायरस COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में उन्होंने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में कोरोना वायरस COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन पीरियड में संस्थान की शिक्षण संबंधी गतिविधियां बाधित हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो जितने भी कॉलेज स्कूल है प्लस बंद कर दिए गए हैं, तो और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जितने भी प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण बाधित न हो इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने अध्यापकों को अपने अपने विषय से संबंधित लेसन प्लान PPT ऑडियो वीडियो क्लिप तैयार करके एक YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, आप देख सकते हो जैसे मैंने पहले ही बताया, और फिर साथ ही प्रशिक्षकों से फीडबैक प्राप्त करते हुए कि क्या जो भी हमने पढ़ा वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं, तो वो जैसे उसे फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया है कि फीडबैक प्राप्त करते हुए पाठ्यक्रम की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट एवं लेसन प्लान यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है,
ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पूरा ये जो है ये पूरा जालौन से संबंधित है। आप देख सकते हो डायट स्टडी तरंग DST जालौन यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा सके। तो ये पूरा जालौन जिले से संबंधित है, ठीक है, ये पूरे जिले से रिलेटेड अभी नोटिस नहीं आई है। तो आप सभी के जितने भी डाउट थे, आई थिंक आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। और एक और बात बता दूं, जैसे कि आज मतलब 8 बजने ही वाले हैं और 13 अप्रैल है, और CM योगी आदित्यनाथ ने 8 बजे 13 अप्रैल शाम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आप जरूर जाकर देखिए कि उसमें वो क्या नया नया सूचना दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कल PM नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के संबंध में कल 14 अप्रैल को 10 बजे संबोधित करेंगे पूरे भारत देश को, तो आप जरूर देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको इन्फो जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एंड अगर आपके फ्रेंड्स मित्र ये सोच रहे हैं कि पूरे जिले में पूरे UP में लागू हो गया है कि UP DLED का प्रशिक्षण अब ऑनलाइन चलेगा, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।